विजडम जस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सैयद गोरी मोहम्मद और मैं हिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज का हमारा जो चर्चा है हिस्ट्री के बारे में सवाल और जवाब के रूप में देने वाला हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। व्हाट डज बुद्धयाना थ्योरम रिलेटेड टू? बुद्धयाना थ्योरम कौन था? जो बुद्धयाना से, और बुद्धयाना एक बहुत बड़ा महान मुनि था और तपस्वी था, और ये बुद्धयाना जो पंडित ने किस तीरम को शुरू किए और उस तीरम को बुद्धयाना तीरम कहते हैं, और ये किससे संबंध है ये बुद्धयाना तीरम? लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काओ, ये पूरे मैथमेटिकल रिलेटेड हो गए। इनमें से कैलकुलेशन ऑफ पाई, पाई वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट किया था आर्यभट्टा आर्यभट्टीयम में, और इसका पाई वैल्यू को बोला गया 22/7, और पाई वैल्यू से भी ज़्यादा फर्स्ट टाइम जो जीरो को प्रयोगात्मक उसका इस्तेमाल किया था आर्यभट्टा ने जीरो को भी, राइट। और लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं पाइथागोरिक सिद्धांत, पाइथागोरिक थ्योरम कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके हिसाब से बुद्धयान ने एक ऐसा थ्योरम बनाया जिसे हमें यहाँ पर ए बी सी हो गया। अभी देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यह होगा पाइथागोरस लॉ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये लेंथ ऑफ साइड्स का जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है उसका लेंथ के बारे में बोलना ही बुद्धयान का थ्योरम था, और सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला सवाल बन गया दोस्त, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कॉन्टेम्पररी ऑफ द अदर थ्री? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और पर्सनालिटी और कौन सा पर्सन कॉन्टेम्पररी नहीं था? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, और यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन कॉन्टेम्पररी नहीं था इसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिंबिसारा, ये फाउंडर ऑफ हरियंका डायनास्टी का फाउंडर था बिंबिसारा ने। गौतम बुद्धा फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म था। प्रसेनजित कोसला किंगडम का महाराजा था प्रसेनजित। और मिलिंदा इंडो ग्रीक रूलर था। अब यहाँ पर कौन कॉन्टेम्पररी नहीं था? अब देखिए बुद्धा तो 6th century BC था, बुद्धा का समय 6th century BC, और उसी 6th century BC हरियंका डायनास्टी का जो फाउंडर था बिंबिसारा भी 6th century BC का था, और प्रसेनजित था वो भी 16th महाजनपद कोसला का था, और वो भी 6th century BC का था। पर मिलिंदा यानी मिलिंदा को और एक नाम से बुलाते हैं मिनांडर, ये मिनांडर तो 6th century BC का नहीं था, ये तो 2nd century BC का था। ये तो चीज़ यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा, ये तो दूसरों का कॉन्टेम्पररी नहीं था लेकिन वो 2nd century BC का था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारे चर्चा में भाग लिए और हमारे जो वीडियोस देख रहे हो, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो चैनल है विजडम जॉब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आप उस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।